नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ मैनेजमेंट और सब टॉपिक है मैनेजमेंट इज ए साइंस। मैनेजमेंट एक विज्ञान के रूप में, मैनेजमेंट ऑफ नेचर, नेचर्स ऑफ मैनेजमेंट में हमने पढ़ा कि प्रबंध का स्वभाव, प्रबंध की जो प्रकृति है वो अलग अलग बताई गई। हमने पिछले टॉपिक में मल्टी डायमेंशन पढ़ा था और आज का टॉपिक है मैनेजमेंट इज ए साइंस। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज द साइंस, साइंस क्या होता है, क्योंकि जब तक हम साइंस को नहीं समझेंगे तब तक हम कैसे कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज ए साइंस। ठीक उसी तरह जैसे हमने कहा, बेटा तेरे पापा तो बड़े शेर हैं। अब बच्चे को ये नहीं पता कि शेर क्या होता है, तो पापा क्या समझेंगे। तो इसलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि साइंस क्या है, ये शेर क्या है। ठीक है, तो देखिए साइंस का मतलब क्या है। साइंस इज ए साइंस क्या है, तो साइंस इज ए सिस्टमेटाइज बॉडी, साइंस इज ए सिस्टमेटाइज बॉडी, साइंस इज ए सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस नॉलेज की एक सिस्टमेटिक बॉडी है। दूसरी चीज क्या है, साइंस क्या है, तो विच एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन कॉजेज एंड इफेक्ट। साइंस और क्या है, तो देखिए इट्स बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, इट्स बेस ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, इट्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। साइंस के बारे में हमने तीन बात की, साइंस इज ए सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज विच एस्टेब्लिश रिलेशंस बिटवीन कॉजेज एंड इफेक्ट्स एंड बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। साइंस क्या है, तो साइंस ज्ञान की एक सिस्टमेटिक श्रृंखला, सिस्टमेटिक श्रृंखला है, सिस्टमेटिक भाग है, जो हमें विच एस्टेब्लिश, साइंस एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन कॉजेज एंड इफेक्ट, जो कारण में और प्रभाव में, कोई भी कारण है। ये पेन मैंने यहां से छोड़ा और ये नीचे गया, क्यों नीचे गया, क्या इसका कारण है, ठीक है, और क्या इसका प्रभाव है। कारण है ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण एक ऐसा नियम है, ऐसा रूल है, जहां पर भी ग्रेविटी होगी, जहां पर भी कोई चीज छोड़ी जाएगी, वहीं पर वो चीज नीचे की ओर जाएगी। तो कारण और प्रभाव में संबंध, रिलेशन व्यक्त करती है। और साइंस बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट। साइंस के जितने भी रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो ट्रूली होते हैं, सत्यता लिए होते हैं। सत्यता लिए कैसे होते हैं, क्योंकि वो उनका जो निर्माण होता है, वो जो बनते हैं, तो वो ऑब्जर्वेशन पे और एक्सपेरिमेंट पे बनते हैं। ये ग्रेविटी का जो रूल दिया है, ये ग्रेविटी का रूल बकायदा ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट पे ही दिया गया है। ऐसा नहीं किसी के मन में आया और कह दिया कि ग्रेविटी का रूल है, नहीं। तो बात हम कर रहे हैं साइंस, मैनेजमेंट इज ए साइंस, मैनेजमेंट साइंस है, मैनेजमेंट एक विज्ञान है। तो मैनेजमेंट विज्ञान क्यों है, हमने पढ़ा विज्ञान के बारे में। अब जानते हैं कि मैनेजमेंट विज्ञान, विज्ञान के बारे में पढ़ लिया, अब विज्ञान और मैनेजमेंट में क्या रिलेशनशिप है। तो बात कर रहे हैं ऑल ऑफ द फीचर्स
of science are included in management. साइंस के जो जो फीचर्स हैं, साइंस के जो जो फीचर्स हैं, हम ये नहीं कहेंगे, हम कहेंगे देर आर मैनी फीचर्स. साइंस के जो जो फीचर्स हैं, साइंस के जो विशेषताएं हमने पढ़ी कि साइंस क्या है, साइंस की वो विशेषताएं, उनमें से और भी विशेषताएं हैं, तो बहुत सी विशेषताएं ऐसी हैं साइंस की जो किसे, जो मैनेजमेंट में इंक्लूड होती है, जो प्रबंध में समाहित है. जब प्रबंध में साइंस की विशेषताएं समाहित है तो हम कह सकते हैं कि प्रबंध क्या है, एक साइंस है, प्रबंध एक विज्ञान है. अच्छा, आगे और बात करते हैं साइंस को लेकर, और बात करते हैं तो साइंस जो है इसका दो भाग में बंटवारा किया गया. साइंस को दो भाग में बांट दिया. नंबर एक प्योर साइंस, नंबर दो अप्लाइड साइंस. प्योर साइंस एंड अप्लाइड साइंस. क्या है प्योर साइंस, क्या है अप्लाइड साइंस? देखिए, प्योर साइंस जो है इसके जो रूल्स हैं वो फिक्स होते हैं. प्योर साइंस है, प्योर साइंस के रूल फिक्स होते हैं, जबकि अप्लाइड जो साइंस है इसके रूल्स हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं. अप्लाइड साइंस के रूल फ्लेक्सिबल होते हैं. प्योर साइंस के रूल फिक्स कैसे होते हैं? 2+2=4, H2+O2=H2O. साइंस के रूल फिक्स हैं, इसमें कोई भी बदलाव नहीं आता. ठीक है, 2+2=4 होते हैं. 2+2 आपके चाहे भारत में हो या पाकिस्तान में हो, दुनिया में कहीं भी चले जाओ, पहले भी 2+2=4 ही थे, आज भी 2+2=4 ही है. तो साइंस के रूल फिक्स होते हैं. अप्लाइड साइंस जो होते हैं, अप्लाइड साइंस के रूल फिक्स नहीं होते, इसके रूल्स फ्लेक्सिबल होते हैं. इसके रूल में लोचशीलता होती है, परिवर्तनशीलता होती है, इनको समय, टाइम एंड कंडीशंस, टाइम एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग इनमें चेंज किया जा सकता है, इनमें बदलाव आ जाता है. समय, देश, काल, परिस्थितियों के अनुसार इसमें परिवर्तन हो जाता है. तो ये जो रूल्स होते हैं ये अप्लाइड साइंस होते हैं. अब बात कर रहे हैं कि मैनेजमेंट अगर है तो मैनेजमेंट साइंस तो है, लेकिन मैनेजमेंट प्योर साइंस है या अप्लाइड साइंस है, कौन सा फिक्स है? तो मैनेजमेंट कभी भी प्योर साइंस नहीं हो सकता. मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट के सिद्धांत हमेशा फिक्स नहीं होते, मैनेजमेंट के सिद्धांत फ्लेक्सिबल होते हैं, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल होते हैं, और ये टाइम कंडीशंस के अनुसार चेंजे हो जाते हैं, बदल जाते हैं, देश काल परिस्थिति समय के अनुसार ये बदल जाते हैं. इसलिए इसको अप्लाइड साइंस के लिए रूप में माना गया है कि मैनेजमेंट साइंस तो है, पर मैनेजमेंट कैसी साइंस है? मैनेजमेंट एक अप्लाइड साइंस है. क्यों है? क्योंकि इसमें ह्यूमन बीइंग, क्योंकि इसमें ह्यूमन बीइंग जो है, ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर का, ह्यूमन बीइंग जो है, ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर का ह्यूमन बीइंग के बिहेव का अध्ययन किया जाता है. ह्यूमन बीइंग के बिहेव की स्टडी की जाती है, और ह्यूमन बीइंग के बिहेव की जब स्टडी की बात करते हैं तो ह्यूमन बीइंग का बिहेव कभी भी एक जैसा नहीं होता. दो मिनट पहले बिहेव कुछ और होता है, दो मिनट बाद बिहेव कुछ अलग होता है. सुबह जब एम्प्लॉय फर्म में एंट्री करता है तो बिहेव अलग होता है, फर्म से वापस जाता है तो बिहेव अलग होता है. तो ह्यूमन बीइंग का जो बिहेव है वो सदैव परिवर्तनशील होता है, बदलता रहता है. तो मैनेजमेंट को भी अपने आप को उनके अकॉर्डिंग ढालना पड़ता है, बदलना पड़ता है. इसलिए प्रबंध को अप्लाइड साइंस
कहा गया है, ना कि प्योर साइंस। आज के लिए इतना काफ़ी, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक। जय श्री राम।